आज हमारे साथ वो शख्स बात करने के लिए जो आसाराम जी बापू को जोधपुर जेल के अंदर मिल के आया है ललित भाई ललित भाई कितने दिन पहले गए थे जोधपुर पंद्रह दिन पहले जोधपुर जेल में गया था क्या कहा बापू मैंने बापू जी को बोला कि बापू आपके एक एक वचन सत्य साबित हो गए आप कहते थे कि ऐसे मेरे दिन आएंगे जिस मेरा सानिध्य लोगों को मिलेगा नहीं बहुत कम मिलेगा ऐसे दिन भी आएंगे जिसमें मेरे दर्शन बहुत बहुत कम दिन में होगा मतलब बड़ी मुश्किल से दर्शन होंगे और बापू जी ने ये भी बोला मैंने ये भी बोला कि बापू आपने ये भी कहा था कि आपके कपड़े के दर्शन भी होना दुर्लभ हो जाएगा ऐसा आपने बोला था तो आपकी वाणी आप आपके, आपके एक एक वचन सत्य साबित हो गए तो बापू ने मुझे ऐसा बोला कि मेरे ये वचन भी सत्य साबित होंगे कि जैसे पिछले वचन सत्य साबित हुए वैसे ये वचन भी सत्य साबित होंगे पहले शिल्पी आएगी बाद में शरद आएगा और उसके बाद में बापू स्वयं बाहर आएंगे आपको भी पक्का विश्वास है कि बापू की पहले जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई थी और ये बापू की भविष्यवाणी भी सही साबित होगी हाँ बिल्कुल होगी क्योंकि मैंने बापू जी को ये भी बोला था कि स्पाइस जेट ने एक फ्लाइट शुरू करी है अहमदाबाद जोधपुर की तो बापू ने मुझे बोला कि जोधपुर अहमदाबाद जो फ्लाइट शुरू हुई है मैं उसी फ्लाइट में बैठ के अहमदाबाद आऊँगा आपने देखा यही व्यक्ति है ये बापू को पंद्रह दिन पहले जोधपुर जेल के अंदर मिल के आया और आसाराम जी बापू ने इनको ये इन्होंने आसाराम जी बापू को यही बताया कि बापू आपने जो पहले सत्संगों में जो आप कहा करते थे कि भाई हमारे कपड़े के दर्शन दुर्लभ हो गए हमारे दर्शन दुर्लभ हो गए तो आज वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है और बापू ने इनको ये बोला कि मेरी ये भी भविष्यवाणी पहले की जो भविष्यवाणी सही साबित हुई और ये भी भविष्यवाणी सही साबित होगी कि पहले शिल्पी आएगी उसके बाद शरद आएगा उसके बाद मैं खुद आऊँगा तो बापू की ये भविष्यवाणी सही साबित होगी क्योंकि शिल्पी को राजस्थान हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है और अब शरद का शरद को भी राजस्थान हाईकोर्ट से बेल मिल जाएगी और फिर से बापू भक्तों के बीच आएंगे और फिर से वही सत्संग और ज्ञान की गंगा बहाएंगे कैमरा मैन अंजनी के साथ नीलेष ठक्कर सूरत शहर से रफ्तान न्यूज़